बैम्प नेशनल पार्क में जॉनस्टन कैनियन, जहां हम पहुंचे और हमें पता चला कि यहां पर एक अच्छी हाइकिंग और ट्रैकिंग है कैनियन देखने के लिए और वाटरफॉल देखने के लिए। लेकिन ये हाइकिंग जो है और ये एडवेंचर जो है वो सब तरह के लोगों के लिए ठीक है, किसी भी एबिलिटी के लोग हों, किसी भी उम्र के लोग हों, ये हाइकिंग सबके लिए है। क्योंकि इतना अच्छा सस्पेंडेड ट्रेल बना हुआ है वहाँ, बराबर फॉल के रिवर के साथ साथ ये ट्रेल बना हुआ है और बहुत स्टीप नहीं है, आप आराम से उस पर चल सकते हैं। हाँ, लंबा ज़रूर है, पर यहाँ पर दो फॉल्स हैं, लोअर एंड अपर फॉल्स। पूरे साल इस कैनियन को देखा जा सकता है और जाड़ों में तो ये इसका नज़ारा कुछ अलग ही होता है। कहते हैं यहाँ पर पूरा वाटरफॉल जम जाता है और एक मैजिकल एक्सपीरियंस देता है। यहाँ जो लोअर फॉल है वो वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन नहीं है और करीब 1.2 किलोमीटर चल करके आप वो फॉल तक पहुँच सकते हैं। एक घंटे में आप उस फॉल तक पहुँच जाएंगे। और अपर वाटरफॉल 2.5 किलोमीटर तक है और दो घंटे और लगते हैं आपको। ये कैनियन वास्तव में प्रकृति का ऐसा उपहार है, ऐसा नज़ारा है, ऐसा जादू है, जिसे कि देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। ये आवाज़ जो साइड में पानी की आ रही है और थोड़ा सा इसकी हाइकिंग हम कर रहे हैं, पानी का गश देखिए, यहाँ ये देखिए, यहाँ हम छोटे जो लोअर वाटरफॉल है वहाँ तक पहुँच गए। और ये वाटरफॉल देख करके वाकई सफ़र की थकान, पूरी हाइकिंग की थकान निकल गई, इतना खूबसूरत है। बीच में ये ब्रिज बना हुआ है, आप इसके अंदर से केव के अंदर जाकर के और थोड़ा क्लोज से देख सकते हैं। और ये फॉल जहाँ गिर रहा है वहाँ एक काफ़ी गहरा, काफ़ी बड़ा पॉन्ड जैसा बन जाता है और उस पॉन्ड से जब पानी नीचे की तरफ कैनियन में गिर रहा है वो बहुत खूबसूरत है देखने में। बैंक का सबसे खूबसूरत स्पॉट। और आज की जर्नी हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम अपने होटल जा रहे हैं वापस।